हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, लगातार पांच विषम संख्याओं का औसत 95 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल आए दोस्तों एग्जाम में, तो हमको कैसे करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। यानी कि योग कैसे निकलेगा, पाँच संख्या है, औसत दे रखा है 95, तो हम 95 × 5 कर लेंगे। यानी कि 95 × 5 करेंगे। 5 करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा 525, 545, 46, 47, यानी कि 475 क्या आ गया, इनका योग आ गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या कितनी है x, तो दूसरी कितनी होगी दोस्तों। विषम संख्या क्या होती है कि एक विषम संख्या में दो जोड़ने पर दूसरी विषम संख्या मिलती है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस टू, फिर इसमें हम दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, इसमें हम दो जोड़ेंगे तो x प्लस सिक्स, इसमें हम दो जोड़ेंगे तो x प्लस एट। इन सब का योग दे रखा है दोस्तों हमें, क्या इन सब संख्याओं का योग दे रखा है इसने 475 जो हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे, यानी कि x गिनेंगे सबसे पहले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 तो हमारे पास x है। अब हम इनको जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 6, 12, 12 और 8, 20 प्लस में 20 इक्वल में हमारे पास क्या दे रखा है 475। ये 20 उधर जाएगी क्या होगा, माइनस में होगा दोस्तों, 5x 475 माइनस 20, तो हम 475 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 455 आएगा दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास 5x, इधर बच गया 455। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 455/5, तो अब इसको कट करेंगे, 5 × 45 और 5 × 5, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 91। अब हम क्या करेंगे, इसको x की जगह पर 91 रखते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, संख्याओं का मान मिलता जाएगा। यानी कि 91 को पहली संख्या के अंदर रखेंगे x के अंदर, तो हमारे पास पहली संख्या क्या आएगी, 91। फिर दूसरी संख्या में रखेंगे x प्लस 2 में, 91 × 2 = 93। तीसरी क्या होगी, 91 × 4 = 95। चौथी होगी 91 × 6 = 97। और आखिरी क्या होगी, 91 × 8 = 99। ये दोस्तों पांच संख्या है जिनका औसत कितना दे रखा है, 95। इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 99। यही क्या हमारा आंसर है दोस्तों।